साहब जी है, राहुल जी की रैली है, खड़गे साहब की रैली है, उसमें प्रियंका जी की रैली है। मैं समझता हूँ कि हमारा मुद्दा जो है वो गारंटी है, विकास है, गुड गवर्नेंस है जो हमने दी है, कानून पास किए हैं बहुत क्रांतिकारी, किसानों के लिए भी और गिग वर्कर्स के लिए भी मिनिमम इनकम गारंटी कानून पास किया है, और जो 10 महंगाई राहत शिविरों में जो हमने गारंटी दी है और 7 गारंटी आगे दी है, एक प्रकार से व्यवस्थित रूप से हम लोगों ने कहा है चुनाव जो है लोकल मुद्दे जो हमारे राज्य के विकास के उनके आधार पर हमें चुनाव लड़ना है। अब ये घबरावे हैं, कोई जवाब दे नहीं पा रहे लोग, इनके पास कोई तथ्य नहीं है बोलने के, हमारे प्रोग्राम पॉलिसी पे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र में ही होना चाहिए था। अब ये खाली झूठे आरोप लगा देखते हैं, फिर थोड़ा ये धर्म के पुट देकर राजनीति करना चाहते हैं, और इनके नेता बाहर जाते हैं वो भी ये काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है घबराए हुए हैं। पब्लिक इस बार मूड बना चुकी है कि सरकार को रिपीट करना है, क्योंकि इतने काम हुए घर घर काम पहुंच गए हैं, और हमने कहा है ये जनगणना नीति जो हमारी है आगे भी जारी रहेगी, हमारे आगे भी हम लोग जो स्कीमें बनाई है और नई स्कीमें लेके आएंगे, स्कीम बन के उनको और मजबूत करेंगे। नौकरी हमने दी, 3 लाख नौकरी दी है, हिंदुस्तान में कितने राज्यों ने दी है, पेपर लीक की बात करते हैं, पेपर लीक के लिए हमने आजीवन कारावास का कानून बना दिया, कितने राज्यों ने बनाया देश के अंदर, किसी ने नहीं बनाया, हमने बनाया, उसके बाद कोई पेपर लीक आउट नहीं हुआ, और पेपर लीक तो गुजरात में भी हुए हैं, यूपी में भी हुए, मध्य प्रदेश में हुए, सब जगह आर्मी में हुए हैं, जुडिशी में हुए हैं, और हमने कार्रवाई करी, बाकी राज्य कार्रवाई नहीं करते। पिछली गवर्नमेंट राजस्थान जो थी उस वक्त भी पेपर लीक हुए थे, उस चर्चा में आए नहीं, पेपर लीक वाले भी भर्ती हो गए, सब भर्ती हो गए थे, हमने तो बाकायदा कार्रवाई करी। रात दिन का फर्क हमारे अप्रोच में उनके अप्रोच के अंदर, तो आप निश्चिंत रहें इस बार माहौल कांग्रेस पक्ष में, सरकार कांग्रेस रिपीट होने जा रही है। सर बीजेपी के तमाम नेता आ रहे हैं, चाहे जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, स्मृति ईरानी हो, क्या कुछ कहेंगे सर, घबराए? ये कुछ नहीं कहेंगे, झूठे आरोप लगाएंगे, गांधी परिवार की बात करेंगे, इनको पूरे गांधी परिवार का 30 साल से कोई आदमी ना प्राइम मिनिस्टर बना, बन सकते थे, मनमोहन सिंह ने बना दिया, इस परिवार का कोई आदमी कोई केंद्रीय मंत्री नहीं बना, 30 साल से बिना पद के ये परिवार रह रहा है देश के अंदर, खाली कांग्रेस पार्टी को संभाल रहा है, उनकी नीतियों को कार्यक्रमों को सिद्धांतों को आगे बढ़ा रहा है, उससे इनके पेट में दर्द क्यों होता है, ये मेरी समझ के परे है। उनको टारगेट क्यों करते हैं, टारगेट हमें करें, हम फील्ड में काम करते हैं, वो नहीं करेंगे। गांधी परिवार, इतना डर क्यों सता था उनको इस परिवार से, इसका मतलब इस परिवार की क्रेडिबिलिटी हाईएस्ट है कंट्री के अंदर, पार्टी के अंदर, सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्गों के, सभी भाषा बोलने वाले लोगों के, पूरे देश के अंदर हर गांव में गांधी परिवार जानते हैं, उनकी पहचान है, उनका त्याग बलिदान है, इंदिरा गांधी शहीद हो गई थी, राजीव गांधी शहीद हो गए और देश को एक अखंड रखा, इतनी कोई तकलीफ हो रही है। सर कांग्रेस की गारंटी तो घबराहट क्यों है सर? स्वाभाविक है, शानदार गारंटी है, और जो गारंटी दी मैंने महंगाई राहत शिविर में वो लागू हो गई, इसलिए और ज़्यादा विश्वास जम गया जनता को, इस सरकार कहती वो करती है, इसलिए ये घबराया हुआ है। सर गहलोत साहब तो आ रहा है, जल्दी आए, गहलोत साहब ऐसी योजनाएं गारंटी कहाँ से लाते हैं? सर गहलोत साहब ऐसी योजनाएं गारंटी कहाँ से लेके आते हैं, ओपीएस हो या सर? अरे जनमानस क्या चाहता है, अगर नस पे हाथ हो जनता के तो सत्य ही फिर नई नई योजनाएं निकलती है, नए नए आइडिया आते हैं, अगर आप दिल साफ हो तो नए आइडिया सत्य आ जाते हैं, अगर आप कमिटमेंट हो जनता के साथ में, गरीबों के साथ में, दलितों के साथ में, पिछड़ों के साथ में, आर्थिक पिछड़ा लोगों के लिए भी हमने जो काम किया है, सारी संपत्ति के जो उन पाबंदियाँ थी हटा दी मैंने उनकी, उससे उनको जो सर्टिफिकेट मिल रहे हैं, आज सबसे अधिक सर्टिफिकेट राजस्थान में देश के अंदर EWS के, क्योंकि सारी शर्तें हटा दी हम लोगों ने उनकी, तो जो काम उन्होंने हाथ में लिया वो करके दिखाया, ये मैं कह सकता हूँ। सोनिया जी आई है,
सोनिया जी आइए थोड़ा मदद करने के लिए आइए। उनकी मुलाकात हो गई थी बहुत इसलिए मार्गदर्शन दे रही है। मैंने तो आते ही जिस दिन आई थी उसी दिन मैंने मुलाकात करके उनका आशीर्वाद दे लिया, उनका मार्गदर्शन दे लिया। और इस बात का असर मुझे रहता हमेशा कि 25 साल पहले जब सोनिया गांधी जी कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी, पहला फैसला उन्होंने मुझे मुख्यमंत्री बनाने का किया था।